नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष। आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन दोनों फोन्स का फुल कंपैरिजन। Xiaomi Mi 11X और Realme X7 Pro दो ऐसे स्मार्टफोन्स जिनकी प्राइसिंग बिल्कुल सेम है। या इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा फोन आपको कंसिडर करना चाहिए फॉर 29,999 रुपीज। तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोनों फोन्स के इंडिविजुअल रिव्यूज ऑलरेडी हमारे चैनल पर लाइव हो चुके हैं, उनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए रेड सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पर आप जरूर टैप कर दें ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर डिजाइन के साथ। तो दोनों ही फोन्स में आपको ग्लास डिजाइन देखने को मिल जाता है। दोनों ही फोन्स ग्लास के बने हुए हैं। पीछे की तरफ गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिल रही है आपको ऑन बोथ द स्मार्टफोन्स। यहाँ पर दोनों ही फोन्स की जो फ्रेम है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। वेट और थिकनेस के मामले में यहाँ पर मैं Realme X7 Pro के साथ जाऊंगा क्योंकि 10 ग्राम हल्का है ये कंपेयर टू द Mi 11X। और यहाँ पर अर्गोनॉमिक्स के मामले में भी मुझे Realme X7 Pro थोड़ा सा बेटर लगा क्योंकि 6.5 इंच की डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल रही है और 6.67 इंच की जो डिस्प्ले है Mi 11X पर वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। सिंगल हैंडेड यूसेज में आपको थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। और इसका एक और कारण ये है कि यहाँ जो एस्पेक्ट रेशियो है इस फोन का, उसकी वजह से इस फोन की जो चैसी है वो थोड़ी चौड़ी है। लेकिन यहाँ पर Realme X7 Pro कंपेयर टू द Mi 11X यहाँ पर ये उतना चौड़ा नहीं है। और यहाँ पर दोनों फोन्स की जो थिकनेस है वो बिल्कुल सेम है, 8.4 मिलीमीटर की थिकनेस है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया ही कि एर्गोनॉमिक्स के लिए मैं जाऊँगा Realme X7 Pro के साथ। और इनफैक्ट लुक्स की भी मैं बात करूँ तो यहाँ पर मुझे ये वाला ब्लैक कलर ज़्यादा पसंद है कंपेयर टू द ब्लैक कलर ऑफ द Mi 11X, क्योंकि ये वाला जो ब्लैक वेरियंट है ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्टिव है। और फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस तो खैर दोनों ही फोन्स पर आते हैं, लेकिन Realme X7 Pro ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं है, इसलिए आसानी से आपको यहाँ पर स्मजेस और फिंगरप्रिंट्स नहीं दिखेंगे। बट दैट इज़ नॉट द केस विद द Mi 11X। हल्का सा भी फिंगरप्रिंट या स्मज आ गया तो वो बहुत क्लियरली विजिबल हो जाएगा, स्पेशली ऑन दिस वेरियंट। इस फोन के और भी दो वेरियंट्स आते हैं, एक और वाइट कलर का वेरियंट है जो ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है, इसके साथ एक अलग ब्लू कलर का वेरियंट है जिसमें आपको मैट फिनिश मिल जाती है। यहाँ मैं बात करूँ X7 Pro की तो आई थिंक आपको यहाँ ब्लैक कलर के साथ ही जाना चाहिए क्योंकि इसका जो दूसरा कलर वेरिएंट है उसमें डेयर टू लीव की बड़ी बड़ी ब्रांडिंग कर रखी है। तो खैर यहाँ पर अर्गोनॉमिक्स के मामले में और लुक एंड फील के मामले में मैं जाऊँगा Realme X7 Pro के साथ। इसके अलावा यहाँ पे बात करूँ फिजिकल ओवरव्यू की तो दोनों ही फोन्स में आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं फॉर चार्जिंग एंड डेटा ट्रांसफर। दोनों ही फोन्स में नीचे की तरफ आपको मिल जाती है डुअल सिम कार्ड ट्रे। अच्छा, दोनों ही फोन्स में आपको स्टोरेज एक्सपेंशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, एज एन जो माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है डेडिकेटेड वो आपको दोनों ही फोन्स की सिम कार्ड ट्रे में नहीं मिलने वाला है। सो प्लीज आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोनों फोन्स में नीचे की तरफ आपको मिल जाते हैं प्राइमरी माइक्रोफोन और प्राइमरी स्पीकर ग्रिल भी दोनों फोन्स के निचले हिस्से में आपको देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ आपको यहाँ Realme X7 Pro में सिर्फ सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल रहा है, लेकिन Mi 11X में आपको सेकेंडरी स्पीकर के साथ साथ IR ब्लास्टर और सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल जाएगा। जो Realme X7 Pro का ईयर पीस है वो सेकेंडरी स्पीकर की तरह काम करता है। नॉच की पोजीशन भी यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट है, सेंट्रली अलाइन नॉच आपको मिल जाती है ऑन द Mi 11X और लेफ्ट साइड में जो पंच होल नॉच है वो आपको मिलेगी ऑन द Realme X7 Pro। तो ये हो गई सारी बात डिजाइन के बारे में, अब चलिए हम बढ़ते हैं डिस्प्लेस की तरफ। डिस्प्लेस की बात करूं गाइस तो दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाते हैं सुपर एमोलेड डिस्प्लेस विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, लेकिन दोनों डिस्प्लेस के जो टच सैम्पलिंग रेट है उनमें काफी डिफरेंस है। 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल रहा है ऑन द Realme X7 Pro और 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल रहा है ऑन द Mi 11X। और इसके अलावा दोनों ही फोन्स के जो प्रोटेक्शन है, डिस्प्ले प्रोटेक्शन, वो बिल्कुल सेम है। गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल रही है आपको ऑन बोथ द स्मार्टफोन्स। यहाँ पर मैं पीक ब्राइटनेस की बात करूँ तो 1200 निट्स है Realme X7 Pro के डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस,
जबकि 1300 निट्स तक जा सकता है मी 11X का डिस्प्ले। तो यहाँ पर सनलाइट लेजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो ऑनेस्टली ज्यादा फर्क आपको पता नहीं चलेगा, सिर्फ 100 निट्स का जो डिफरेंस है वो रियल लाइफ में आपको उतना प्रोमिनेंटली पता नहीं चलेगा। पता कहाँ चलेगा डिफरेंस? व्यूइंग एक्सपीरियंस के दौरान, खासकर जब आप यहाँ HDR कंटेंट देखेंगे तब आपको कलर रिप्रोडक्शन में एक अच्छा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आपको E4 AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है ऑन द मी 11X, इसलिए जो कलर वाइब्रेंस है और जो ओवरऑल कलर रिप्रोडक्शन है वो आपको बेटर लगेगा ऑन द मी 11X बिकॉज ऑफ द E4 AMOLED डिस्प्ले। HDR कंटेंट आपको बेटर लगेगा ऑन द मी 11X। इसके अलावा दोनों ही फोन्स में आपको वाइडवाइन L1 का सर्टिफिकेशन मिल रहा है। दोनों ही फोन्स में आप YouTube पर HDR वीडियोस देख सकते हैं, लेकिन Netflix पर HDR कंटेंट देखने का सपोर्ट आपको Mi 11X पर मिल रहा है एंड नॉट ऑन द Realme X7 Pro, तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आप दोस्तों बढ़ते हैं हम यहाँ पर ऑडियो क्वालिटी की तरफ, और दोनों ही फोन्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिल जाता है, दोनों ही फोन्स का जो स्पीकर आउटपुट है वो मुझे अच्छा लगा, लेकिन Realme X7 Pro का जो स्पीकर आउटपुट है वो थोड़ा सा बेटर है इन टर्म्स ऑफ लाउडनेस एंड इन टर्म्स ऑफ डेप्थ, आपको थोड़ा सा बेटर ऑडियो आउटपुट मिलेगा ऑन द Realme X7 Pro। मैं जल्दी से आपको एक ऑडियो सैंपल सुना देता हूँ ताकि आपको एक अच्छा आइडिया यहाँ पर मिल जाए। ये है Xiaomi Mi 11X। और ये है Realme X7 Pro। इसके अलावा दोस्तों वायरलेस ऑडियो कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो यहां पर दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है। आप वायरलेस ईयरफोन्स यूज करते समय दोनों ही फोन्स पर काफी अच्छा ऑडियो एक्सपीरियंस आपको यहां पर मिलेगा, और दोनों ही फोन्स में अगर आप हेडफोन जाके यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डोंगल्स तब भी आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस यहां पर मिलेगा। सो व्हेन इट कम्स टू ऑडियो क्वालिटी, सिर्फ लाउड स्पीकर यानी कि जो स्पीकर आउटपुट है उसमें यहां पर डिफरेंस है, अदरवाइज इसके अलावा वायरलेस ऑडियो आउटपुट और हेडफोन जैक का जो आउटपुट है वो दोनों फोन्स पर काफी सिमिलर है। और यहाँ पे मैं बात करूँ कॉल क्वालिटी की तो दोनों ही फोन्स पर आपको रॉक सॉलिड कनेक्शन मिलने वाला है, दोनों ही फोन्स के ईयरपीस काफी बढ़िया है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि 9 5G बैंड्स का सपोर्ट है Realme X7 Pro पर, जबकि Mi 11X सिर्फ 2 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। यहाँ डुअल 5G का सपोर्ट आपको दोनों ही फोन्स पर मिल जाएगा, दोनों ही फोन्स सब 6 GHz 5G स्पेक्ट्रम को सपोर्ट करते हैं, और यहाँ दोनों ही फोन्स में आपको डुअल 4G डुअल VoLTE मिल रहा है, डुअल वाईफाई कॉलिंग है, नेटिव वीडियो कॉल्स और कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा विद IVR प्रॉम्प्ट। तो ये हो गई बात ऑडियो कनेक्टिविटी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो हैप्टिक फीडबैक है वो मुझे Mi 11X पर थोड़ा सा बेटर लगा है। ऐसा नहीं है कि X7 Pro का हैप्टिक फीडबैक बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट Mi 11X का जो हैप्टिक फीडबैक है दैट इज डेफिनेटली स्लाइटली बेटर कंपेयर टू द Realme X7 Pro। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस की तरफ, तो Snapdragon 870 प्रोसेसर आपको मिल रहा है ऑन द Mi 11X, और Realme X7 Pro आता है Dimensity 1000 Plus 5G प्रोसेसर के साथ। सबसे पहले अगर मैं बेंचमार्क्स की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों फोन्स के AnTuTu स्कोर्स में रियल लाइफ यूसेज में, लेकिन आपको यहाँ कोई भी फर्क पता नहीं चलेगा। रियल लाइफ यूसेज के दौरान दोनों ही फोन्स काफ़ी बढ़िया तरीके से काम करते हैं, दे आर वेरी स्मूथ वेरी स्नैपी, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको यहां पर मिलेगी बोथ इन टर्म्स ऑफ रेगुलर यूसेज एंड गेमिंग, दोनों ही फोन्स पर गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी बढ़िया है। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं गाइस तो यहां पर MIUI और Realme UI, वंस अगेन आपको डिफरेंसेस ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। एक चीज मैं कहूंगा कि दोनों फोन्स पर हमें एड्स की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली, लेकिन फालतू के नोटिफिकेशंस बहुत आते हैं तो आपको नोटिफिकेशंस जाकर डिसेबल करने पड़ेंगे। और हाँ यार, ब्लोटवेयर भी थोड़ा थोड़ा दोनों फोन्स में आपको मिल जाता है। एक और डिफरेंस यहाँ पर यह है कि एंड्रॉयड 10 के साथ आता है Realme X7 Pro, जबकि एंड्रॉयड 11 आपको मिल रहा है ऑन द Mi 11X। तो उम्मीद करते हैं कि Realme UI 2.0 का अपडेट भी जल्दी आ जाएगा Realme X7 Pro के लिए।
और गाइज आगे बढ़ने से पहले अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो दोनों ही फोन्स के जो फेस अनलॉक है वो काफी बढ़िया तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर फिंगरप्रिंट सेंसिंग की बात करी जाए तो मुझे यहाँ मी 11X का जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है वो ज्यादा पसंद आया है। यहाँ पर इस फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड ज्यादा अच्छी है कंपेयर्ड टू द इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑफ द रियलमी X7 प्रो। अदरवाइज आपको अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर चाहिए तो डेफिनेटली आप X7 प्रो के साथ जा सकते हैं, बट फॉर मी आई विल चूज द साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट sensor on the Mi 11X. अब दोस्तों हम बढ़ते हैं कैमरास की तरफ, तो यहां पर 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको मिल जाता है ऑन द Mi 11X और 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल रहा है ऑन द Realme X7 Pro। सेल्फी कैमरास की बात करूं तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा ऑन द Realme X7 Pro और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है ऑन द Mi 11X। बाकी जितने भी स्पेसिफिकेशन है टर्शरी कैमरास के वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, और वीडियो रेजोल्यूशन कौन सा फोन कितना सपोर्ट करता है इसकी जानकारी भी इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं, यहाँ पर हम कैमरा कंपैरिजन और देखते हैं कि कौन से फोन का कैमरा किस सिचुएशन में बेटर परफॉर्म करता है। दोस्तों डेलाइट शॉट से शुरू करें तो यहाँ 100% जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि Mi 11X वाली इमेज में शार्पनेस बेटर है कंपेयर टू द 16 मेगापिक्सल रिजल्ट ऑफ द Realme X7 Pro। लेकिन कलर रिप्रोडक्शन Realme X7 Pro पर ज़्यादा एक्यूरेट है। स्काई और बिल्डिंग का जो कलर है वो Realme वाली इमेज ने बिल्कुल ट्रू टू सोर्स कैप्चर किया है। हाई रेजोल्यूशन मोड ऑन करने के बाद Mi 11X में कलर डिस्पैरिटी का इशू नहीं है, लेकिन Realme X7 Pro ने हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी रिजल्ट दिया है। लेकिन एक बार फिर जूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि Mi 11X पर डिटेल्स काफ़ी बेटर है कंपेयर्ड टू द 64 मेगापिक्सल इमेज ऑफ द Realme X7 Pro। अल्ट्रा वाइड मोड ऑन करने के बाद मुझे Mi 11X का रिजल्ट यहाँ पर बेटर लगा है। आपको ये इमेज थोड़ी सी कॉन्ट्रास्टी लगेगी बट इट इज़ डेफिनेटली बेटर देन द Realme X7 Pro's अल्ट्रा वाइड रिजल्ट। Realme वाली इमेज में एक पिंकिश टोन काफ़ी प्रोमिनेंट है। बोथ द फोटोज आर क्वाइट सिमिलर इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस लेवल्स। टॉकिंग अबाउट क्लोजअप्स तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि Realme X7 Pro वाली इमेज में एक्सपोजर बैलेंस बेटर है, और जूम करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि इस फ्लावर पॉट को Realme X7 Pro ने ज़्यादा अच्छे से फोकस किया है और थोड़ा सा यहाँ पर कलर एक्यूरेसी बेटर है Realme X7 Pro पे। मैक्रो फोटोज़ के लिए दोस्तों मैं Mi 11X को प्रेफर करूँगा, देर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। यहाँ पर Mi 11X काफ़ी बेटर और बढ़िया इम्प्रेसिव मैक्रो फोटोज़ क्लिक करता है, और Realme X7 Pro की इमेजेस यहाँ पर शार्प है लेकिन ऑफकोर्स ज़्यादा क्लोज आप जा सकते हैं विद द Mi 11X कंपेयर टू द Realme X7 Pro। इंडोर शॉट्स के लिए आई विल गो विद द Realme X7 Pro ड्यू टू एक्यूरेट कलर्स एंड बेटर एक्सपोजर बैलेंस। लो लाइट कंडीशंस में विदाउट नाइट मोड हमें Mi 11X पर काफ़ी बेटर रिजल्ट मिलता है। आप देख सकते हैं कि डार्क एरियाज़ में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ एक्सपोजर अच्छा है। नाइट मोड ऑन करने के बाद एक्सपोजर इम्प्रूवमेंट और लाइट फ्लेयरिंग कंट्रोल दोनों फोटोज़ में काफ़ी सिमिलर है। मेन डिफरेंस आप नोटिस करेंगे जूम करने के बाद, Realme X7 Pro पर अग्रेसिव नॉइज़ रिडक्शन के कारण हमें सॉफ्ट डिटेल्स मिलती हैं, जबकि Mi 11X वाली इमेज में शार्पनेस काफ़ी बेटर है। सेल्फीज़ की बात करें तो यहाँ इस फर्स्ट कंपैरिजन में आपको Realme X7 Pro पर फेशियल टोन्स काफ़ी नेचुरल देखने को मिलेंगी, जबकि Mi 11X पर हमें एक कॉन्ट्रास्टी रिजल्ट मिलता है। लेकिन जूम करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि Mi 11X ने फेशियल डिटेल्स को काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया है, जबकि Realme वाली सेल्फी थोड़ी सी सॉफ्ट निकल कर आई है, एज इन डिटेल्स यहाँ पर सॉफ्ट है। मेरी टी शर्ट का कलर Realme X7 Pro ने एक्यूरेटली कैप्चर किया है, लेकिन पीछे जो वॉल का कलर है वो Mi 11X पर एक्यूरेट है। पोर्ट्रेट मोड ऑन करने के बाद मेरे फेस के लेफ्ट साइड पर आप नोटिस करेंगे कि Realme ने मेरी बियर्ड को थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है, जबकि Mi 11X पर कटआउट ज़्यादा क्लीन और एक्यूरेट निकल कर आया है, इसलिए पोर्ट्रेट सरफेस के लिए मैं जाऊँगा Mi 11X के साथ। और गाइज फाइनली ये है कुछ इंडोर HDR और लो लाइट सेल्फी के सैम्पल्स, आप इन्हें देखकर मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा रिजल्ट आपको बेटर लग रहा है। एंड गाइज फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी लाइफ। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली Realme X7 Pro को चूज करूंगा, नॉट जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर 65 वॉट की चार्जिंग आपको मिल रही है, बट जो इस फोन की बैटरी लाइफ है वो डेफिनेटली बेटर है कंपेयर टू द Mi 11X। दोनों फोन्स की बैटरी कैपेसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं है, नंबर्स में ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस नहीं है, लेकिन रियल लाइफ यूसेज में Realme X7 Pro की बैटरी डेफिनेटली बेटर है। इस बैटरी का जो स्टैंड बाय टाइम है वो भी काफ़ी बेटर है कंपेयर टू द Mi 11X। ये बात मैंने रिव्यू में भी कही थी कि Mi 11X की बैटरी काफ़ी अंडरवेलमिंग है, 6 से 7%, कभी कभी 8% तक का बैटरी ड्रॉप मैंने देखा है ऑन द Mi 11X।
और यहाँ पर काफ़ी जल्दी ज़रूरत पड़ जाती है चार्जर की। लेकिन Realme X7 Pro के साथ ऐसा नहीं है। Realme X7 Pro कम से कम 2 से 3 घंटे ज़्यादा चलता है कंपेयर टू द Mi 11X, और अगर ये फ़ोन जल्दी डिस्चार्ज हो भी गया तो भी यहाँ पे सिर्फ आधे घंटे में आप इसे रीफिल कर सकते हैं। सो अगर आपको एक बढ़िया बैटरी चाहिए और उसके साथ साथ सबसे बढ़िया चार्जिंग स्पीड चाहिए तो आपको जाना चाहिए Realme X7 Pro के साथ। That's it guys, ये था हमारा फुल कंपैरिजन बिटवीन द Realme X7 Pro एंड द Mi 11X। इन दोनों में से कौन सा फोन आप प्रेफर करेंगे इस प्राइस पर, ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमने अपनी राय शेयर कर दी कि कौन सी एस्पेक्ट में हमें कौन सा फोन बेटर लगा है। सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेल अस विच फोन इज योर चॉइस। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप इसे जरूर लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए रेड सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पे जरूर टैप कर दें ताकि आपसे कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। एंड यस गाइज, प्लीज स्टे सेफ, मास्क पहन कर रखिए, सैनिटाइजेशन का ध्यान दीजिए, और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, एंड ऑफ कोर्स स्टे सेफ।